first class. And more than, इसलिए यह ही not one. समझे हैं बात? हैं? एक मिनट. किसी का दूसरे एक पता है. अब आपको दे दिया जाए एन टू एन. डोमेन बदल गया, को डोमेन में बदल गया और फंक्शन वही रह गया. एफ एक्स बराबर कितना? तो अब डोमेन क्या है? अब इसका ग्राफ कितना है? ग्राफ से तो नहीं ना लगा. तो आप ग्राफ जानते हैं, तो आपको बताते हैं इसका ग्राफ कितना है. तो देखिए यहाँ है जीरो, इसके बाद वन ऐसा होगा क्या? तो इसके पहले हम इस तरह से ग्राफ खींचे. अब यहाँ छोड़ कर अब ग्राफ ऐसे हो. देखिए ध्यान से, इधर ग्राफ जो था वो हट जाएगा. क्यों? डोमेन या डोमेन रियल नंबर था और माइनस वन से प्लस वन तक जा रहा था, इसलिए ग्राफ खींचा. लेकिन यहाँ तो डोमेन है क्या? इसलिए ओरिजिन छोड़ दो, ओरिजिन में जीरो हो गया, जीरो हो जाएगा. जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता. उस पॉइंट को हटा कर हम ग्राफ खींचिए और अब हॉरिजॉन्टल लाइन पास किया और एक का बता जब वो दूर हो. ठीक है? क्यों? तो अगर हम लोग जो विधि सीखे थे, अगर उस विधि से ही बना रहे तो चलिए उससे भी बना रहे. अब यहाँ अगर इस तरह आप बनाइए तो क्या लिखेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन पर एच वॉल्यूम वन पॉइंट, चाहे वन पॉइंट, इसलिए यह क्या हो जाएगा? वन वन. अगर विधि से बनाते हैं तो हम क्या करेंगे? डोमेन से दो पॉइंट लें. The natural number of two vectors belongs to A and cow to A. बोलिए जी. और अब इस पर का वैल्यू और फंक्शन निकालिए. नाउ एफ वन याद आ रहा है? यार एक्स की जगह वन, एफ टू निकालेंगे.